हेलो फ्रेंड्स, मेरे साथ हैं एकदम बिंदास हर्बल एक्सपर्ट पायल सिन्हा जी। फ्लिपकार्ट से आपको ये ट्रॉफी मिली है और मैं देखती हूँ आपको रेगुलर ट्रॉफी जो है मिलती रहती है और इतनी ट्रॉफी आपको मिल रही है, इसके पीछे मतलब ट्रॉफी कैसे मिलती है? अच्छा, मतलब ऑनलाइन Amazon, Flipkart पे ट्रॉफी कैसे मिलती है? हाँ, जैसे अभी मुझे पता चला है कि आपको Amazon से ट्रॉफी जो है, अभी आई नहीं, आज ही कल में आने वाली है। वाओ, क्या बात है, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। तो ये कैसे मतलब मिलती है? बहुत लोग होंगे जिनका मन होता होगा कि हम ऑनलाइन काम करें, और आपके माध्यम से हम ये भी बताना चाहेंगे कि बिल्कुल करो ऑनलाइन, लेकिन ऑनलाइन के पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी होती है। देखो, ऑनलाइन बेस्ट सेलर इज नॉट ईजी, है ना, क्योंकि आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस चाहिए होता है इसमें। से मेन होता है इसमें प्रोडक्ट की क्वालिटी, और क्वालिटी में भी स्टेबिलिटी बनी रहे, और क्वालिटी का एक्सपीरियंस पहले आपको हो। अब ये अचानक नहीं शुरू हो गया पुनीता, एक टाइम था हम हर्बल मेहंदी बनाते थे, पैकेट में बना करके देते थे, और उसके अंदर जो मैजिक बॉक्स है आज की तारीख में हमारा, वो हम फॉइल पेपर में रख के देते थे। लिप बाम बनाते थे तो छोटी छोटी काजल की जो डब्बियाँ होती थी, खाली होती थी, हम उसको धो करके उसमें भर के लिप बाम, छोटी डब्बी चाहिए होती तो भर के देते थे। फेस पैक बनाते थे, आप बिलीव नहीं करोगे, क्लाइंट्स जो थे वो अपने घर से, मतलब हम उन क्लाइंट्स का अभी भी दिल से थैंक्स करते हैं कि उन्होंने अपने ले आते थे कि पायल इसमें डाल दो, क्योंकि मेरे पास इतना अरेंजमेंट नहीं था, तो वो अपने ले आते थे, हम बना के उसमें डाल देते थे। एंड शैम्पू का, पहले हम पाउडर शैम्पू बनाते थे, वो पाउडर बनाया और डब्बे में, पाउच में, पॉलीथीन में, कागज़ के लिफाफों में, इवन अखबार के भी पेपर के कटिंग को लेकर लिफाफा बना के उसमें दे देते थे। ठीक है, देते देते क्लाइंट्स बढ़ने लगी, काम बढ़ने लगा, तो मेरा एक माइंड में ये आया कि प्रोडक्ट की क्वालिटी ही सब कुछ है और कोई ज़रूरत नहीं होती है पैकिंग की। ये मेरे मन में आया कि अरे वाह, आराम से तो बिक रहा है और मेरी पैकिंग का खर्चा भी नहीं हो रहा है, इतना अच्छा रिस्पांस आ रहा है, पीपल आर जस्ट क्रेजी एंड वेटिंग फॉर द प्रोडक्ट। तो ये हमने फील किया, तो मेरा माइंड, और दूर दूर तक सपने में नहीं था कि कभी हम ऑनलाइन करेंगे, हमें ऑनलाइन आता ही नहीं करना, हमें ये नहीं पता था ऑनलाइन होता क्या है, कैसे अप्लाई किया जाता है, कैसे सेल होती है, कुछ भी नहीं, टोटल अननोन। और आज की तारीख में ये ट्रॉफी जब फ्लिपकार्ट से आई और अमेजोन का लेटर आया कि यू आर द बेस्ट सेलर एंड यू कैन शो इट ऑन सोशल मीडिया, ये उनका लेटर में रिटन भी है, क्योंकि आप ना अमेजोन वाले मेरे रिलेटिव हैं ना फ्लिपकार्ट वाले, ये क्लियर ऑब्जर्वेशन है उनका, है ना। जब ये अवार्ड आया तो अंदर एक जिम्मेदारी आई कि अच्छा, अवार्ड मिलता है जब आप लगातार अच्छा करो, तो उसमें क्या क्या चीज़ें करनी है। कोई भी अपना प्रोजेक्ट करेगा, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट की मेन होता है क्वालिटी, बस जो आपके पास बेस्ट है डाल दो, मतलब जो जितना बेस्ट, अब वो आपको कैसे पता बेस्ट है, क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करना, बस यहाँ पे कंप्रोमाइज़ ना करो, आपका नुकसान है, मीन्स मेरा नुकसान है, आपका तो बाद में होगा। अच्छा, अब आपको कैसे पता क्वालिटी बराबर अच्छी चल रही है, आप कितना घुसोगे हर चीज़ में, कैसे पता चला, कैसे, कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं सबसे पहले अपने, मतलब अपने कम से कम 21 दिन देते हैं, और हम कहते हैं, हर पर्सन कहता है पुनीता मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, सब कहते हैं, ठीक है, मत जाइए किसी की बातों पे, मेरी बात पे भी मत आइए, लेकिन अगर आपको मेरा स्किन और मेरा बाल पहले से बेटर दिखता है और विदाउट मेकअप, देखो कैमरे के सामने थोड़ा बहुत मेकअप तो रहेगा, लेकिन इसमें ना कंडीशनर रहता है ना वही अपना शैम्पू रहता है, अगर वो चीज़ पहले से बेटर हो रही है या मेंटेन्ड है, इट मीन्स कि मेरे प्रोडक्ट में दम है। बिल्कुल, अदरवाइज क्या जनरल बातें होती हैं, अरे लेडीज़ की तो उम्र बढ़ती है तो स्किन डाउन होनी है, रिंकल्स पड़नी है, बाल ख़राब होने हैं, और सबसे बड़ा मिथ होता है कि बाल लंबे नहीं होंगे, कुछ सारा मिथ है। अगर आप अच्छे प्रोडक्ट लगा रहे हो और एक जुनून के साथ लगा रहे हो, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है कि नहीं हम केमिकल नहीं लगाएंगे, बस चाहे जैसे लगें। अब हमने ये सब किया और हमने फील किया कि हाँ ठीक है, कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ रहा है कि हाँ चीज़ें सही जा रही हैं, लोगों के व्यूज़ लिए, और कुछ हम ऐसे खड़ूस लोगों को अपने सारे प्रोडक्ट देते हैं कि जो बहुत क्रिटिसाइज वाले नहीं होते, जो जल्दी खुश नहीं होते हैं, हम उन लोग को देते हैं, फिर उन लोग से पूछते हैं कैसा फील हुआ, करते करते महीनों बीत जाते हैं, फिर एक सम अप करके एक सोल्यूशन निकलता है कि हाँ ये चीज़ बेस्ट है, फिर वो चीज़ वेबसाइट पर लाते हैं, और जब वेबसाइट पर सब में सबसे ज़्यादा देखते हैं कि कौन सी सेल सबसे ज़्यादा जा रही है, जब उसमें देखते हैं जो सबसे ज़्यादा सेल जा रही होती है
उस प्रोडक्ट को फाइनली फिर अमेज़ॉन पे और फ्लिपकार्ट पे लाते हैं। तो यानी कि आप कितनी बड़ी प्रक्रिया से गुजरे, ऐसा तो था नहीं कि हमने सीधे झलांग लगा दी वहाँ पर, जंप किया और वहाँ पे आ गए और ट्रॉफी मिल गई, ऐसा नहीं होता है। कहीं भी शॉर्टकट नहीं है लाइफ में, शॉर्टकट क्या, लाइफ में भी शॉर्टकट नहीं और ज़िंदगी में किसी चीज़ में शॉर्टकट नहीं है, और ब्यूटी में तो कहीं है ही नहीं। ब्यूटी में तो आपने अगर कुछ गड़बड़ किया है तो समझ लीजिए आप बिना मेकअप के जा नहीं सकते। और आज की तारीख में हम जैसा एक इंसान जो एक कॉम्प्लेक्स पर्सन था स्किन और हेयर को लेके, एंड राइट नाउ आई एम अ हर्बल एक्सपर्ट एंड विद कॉन्फिडेंस कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कितने वीडियो हमने आपके साथ बिना मेकअप के बनाए हैं, ये नहीं कि हम उसमें बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, एक काम चल रहा था मेरा, मतलब आई वॉज कम्फर्टेबल, एक प्रेजेंटेबल था, इतना भी क्या कम है। हम अपने पार्लर में जब लेडीज़ आती हैं फेशियल कराने, हम आई वॉज सरप्राइज हो जाते हैं हम देख करके कि इतनी लूज स्किन, इतने होल्स, यहाँ पे लाइन्स, बाल एकदम यहाँ से लाइट, मतलब एज है आपकी 40-50 के बीच में और मामला कहाँ जा रहा है। इनर ब्यूटी मेन है लेकिन आउटर को आप इग्नोर नहीं कर सकते, ये दोनों जब मिल जाते हैं तो फिर वो एकदम मस्त और बिंदास होता है। तो जब ये सारी चीज़ें आप अपने ऊपर बिताते हैं और हर एक्सपीरियंस को खुद लेते हैं, लोगों से पूछते हैं, इस तरह से अपने प्रोडक्ट को जब आप ऑनलाइन डालते हैं, और ऑनलाइन डालने के बाद भी वहाँ पर भी बहुत सारे नियम होते हैं ऑन अमेज़ॉन के और फ्लिपकार्ट के, उस हर नियम को आप फॉलो करते हैं, आपका हर प्रोडक्ट टाइमली जाता है वहाँ पर, जो आपको टाइम मिला होता है उसी टाइम में आपके प्रोडक्ट जा रहे हैं, रिस्पॉन्सेज सही आ रहे हैं, ग्रेट वो करते हैं, स्टार्स वो आपको देते हैं, अगर वो बराबर मेंटेन है तो धीरे धीरे आप कोई भी इस ट्रॉफी को पा सकता है। इसमें कोई भी पास, बस ऑनेस्टी चाहिए और हार्ड वर्क चाहिए।